Hello dear learners, welcome to our channel. Today we are going to discuss class 7 English chapter 5, The Blue Umbrella. And The Blue Umbrella written by Ruskin Bond. And today we are going to discuss all question answer along with your reference question and MCQs, okay, with Hindi explanation. Chapter 4, The Blue Umbrella. We have already discussed this chapter, and now today we are going to discuss only question answer, okay? So now time to answer. It is very first question is, choose the correct answer. Your question is, why did Binia carry the umbrella? Through its color had faded and it was patched in the several place. Binia any time उस umbrella को carry क्यों करती थी, हर जगह क्यों लेकर जाती थी, जबकि उनका color जो था वो fade हो गया था, light color हो गया था और कई जगह से patched थे, मतलब सिलाई लगा हुआ था, टांके लगे हुए थे कई जगह से. It means कि वो अम्ब्रेला का कंडीशन अब सही नहीं था, फट चुका था कई जगह से. फिर भी विनिया क्यों कैरी करती है? बिकॉज सी वॉज फॉन्ड ऑफ द अम्ब्रेला. योर फर्स्ट क्वेश्चन विल बी राइट, करेक्ट. क्योंकि सेकंड नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द वांटेड राम भरोसा जेलस. राम भरोसे को जेलस करने के लिए नहीं था, उस समय रेनिंग सीजन एनी टाइम नहीं हो रहा था और वो विलेज में इकलौता ही उसका छाता नहीं था. ये सारे रॉन्ग हो जाएंगे. सिर्फ ओनली वन आंसर विल बी करेक्ट, ओनली वन. ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर टू. विच ऑफ द स्टेटमेंट टेल्स अस दैट राम भरोसा वॉज ड्यूली पनिश्ड फॉर हिज मिसडीड. वो अपने कुकर्म के लिए राम भरोसा को पनिशमेंट मिला था, ये कौन से स्टेटमेंट में बताया जा रहा है? सो यू हैव फोर ऑप्शंस. वन इज द फोर हेड पीपल हैड स्टॉप्ड कमिंग टू हिज शॉप. हाँ, पीपल उसके दुकान में आना बंद कर दिए थे, लोग अब उसकी दुकान में नहीं आते थे, लोग उनको बेमान मानते थे, थीप मानते थे, एज अ थीप कंसिडर करते थे, चोर मानते थे. ही वॉज लेफ्ट अलोन विदाउट एनी कंपनी, क्योंकि अब उसके पास कोई कंपनी नहीं थी, उसका जो सर्वेंट था उसको भी निकाल दिया गया था. ही लॉस्ट हिज एपेटाइट, नहीं ये भी नहीं. पीपल परफॉर्म्ड और पीपल प्रीफर्ड वॉकिंग टू तेहरी, तेहरी बस स्टैंड टू बाई थिंग्स. तो इसमें दो ऑप्शन हो जाएगा, पहला और फोर्थ वाला. पहला था क्या कि हाँ आप लोग उनकी दुकान में आना बंद कर दिए थे, और फोर्थ नंबर है कि लोग बस स्टैंड पे जाकर सामान खरीदना पसंद करते थे तेहरी के बस स्टॉप पर, मगर उसकी दुकान पे जाना प्रीफर नहीं करते थे. सो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए एंड फोर. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. पहला और चौथा सही है, तो ये आपका ऑप्शन फोर, ऑप्शन वन आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, व्हाट इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट सिंबॉलिक ऑफ. सो द रूफ लीक्ड एंड द विंड गॉट इन थ्रू द कॉरिगेटेड टिन शीट. तो इसमें आपका बताया जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, कि जो उनका घर था राम भरोसे का, जो अब घर था वो क्या हो गया था, तो ऊपर से रूफ उसका लीक्ड हो गया था, पानी गिरता था और जो हवा आती जाती थी तो उसके टीन को, इट मीन्स कि टीन वाले शीट्स को बजाया करती थी. तो ये किस वजह से हो रहा है, ये किस चीज़ का सिम्बॉलिक है? फर्स्ट वन है द टेरिबल वेदर, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था. सेकंड है राम भरोसा मिसडिड, अब उसके कुकर्मों के लिए ऐसा हो रहा था, यह हो रहा, यह है. थर्ड है कि राम भरोसा मिजरी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा माइजरी था, कंजूस था, उनका कंजूसी के कारण ऐसा हो रहा था. और द वीक रूफ ऑफ द शॉप, यह दुकान की छत अब वीक हो चुकी थी. तो यहाँ पे क्या बनेगा इसका आंसर, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है कि राम भरोसाज मिसडिड, उनके कुकर्मों के चलते से अब उसका ऐसी दुर्दशा हो गई थी कि उनके घर से पानी चुराए फिर भी कोई नहीं जा रहा है, उनका पूरा घर
तहस नहस हो रहा है, फिर भी लोग उसकी हेल्प के लिए नहीं जा रहे हैं। ये यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ फोर्थ नंबर है, विच ऑफ दिस एडजेक्टिव बेस्ट डिस्क्राइब विनिया। तो यहाँ पे चार हैं, हम्बल है, रिस्पेक्टफुल है, कंपैशनेट है और मॉडेस्ट है। तो इन चारों में से कौन सा एडजेक्टिव विनिया के कैरेक्टर पर ठीक बैठेगा? सो योर आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड, कंपैशनेट। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? कंपैशनेट। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर बी। आंसर दिस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, वाई इज अक्टूबर कंसीडर टू बी अ काइंड मंथ। यहाँ पर अक्टूबर के मंथ को ऐसा काइंड मंथ क्यों कंसीडर किया गया है? सो योर आंसर इज, क्वेश्चन नंबर टू, वाई डिड राम भरोसा स्टॉप केयरिंग अबाउट हिज शॉप। अब राम भरोसा अपनी दुकान की केयर करना क्यों बंद कर दिया है? सो योर आंसर इज, राम भरोसा स्टॉप केयरिंग अबाउट हिज शॉप बिकॉज ही वॉज कंज्यूम्ड बाई द डिस्पेयर ऑफ लॉन्लीनेस। बिकॉज अब वो एकदम से लॉन्लीनेस हो गया है, लॉन्लीनेस को कंज्यूम किया जा रहा है कि एकदम अकेला है। उसका एक सर्वेंट भी था, वो भी उस गांव से हटा दिया गया है, भगा दिया गया है। एंड द लैक ऑफ कस्टमर्स ड्यू टू हिज डैमेज रेपुटेशन। और चूंकि उनका जो रेपुटेशन है वो डैमेज हो चुका है उस चीप हरकत की वजह से, तो कस्टमर अब उनके पास नहीं आ रहा है। एंड हिज ओवरऑल सेंस ऑफ होपलेसनेस एंड गिल्ट। और वो कहीं ना कहीं गिल्ट भी फील कर रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई डिड विन्या होल्ड हर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर राम भरोसाज मिजरेबल कंडीशन। तो कहीं ना कहीं जो विन्या है, वो जो बच्ची है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को राम भरोसे की दयनीय स्थिति का वो रिस्पॉन्सिबल खुद को मानती है कि कहीं ना कहीं मेरी वजह से ये हुआ है। तो ऐसा उन्हें क्यों लगता है? नाउ योर आंसर इज, विनिया फेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर राम भरोसाज मिजरेबल कंडीशंस बिकॉज द टेरेबल स्टार्टेड ओवर हर प्राइज्ड अम्ब्रेला। क्योंकि ये सारा जो ट्रबल है, सारा फसाद की जड़ वो अम्ब्रेला से ही सब कुछ शुरू हुआ है। एंड शी थॉट हर अटैचमेंट टू इट हैड इनडायरेक्टली कॉज्ड हिज डाउनफॉल। और राम भरोसे का जो डाउनफॉल का कारण है, कहीं ना कहीं ये उस अम्ब्रेला के साथ राम भरोसे का अटैचमेंट है, लगाव है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर इज, हाउ डिड विनिया मेक श्योर दैट राम भरोसा डिड नॉट फील टू बैड। तो यहाँ पर विनिया मेक श्योर कैसे है कि जो राम भरोसा है वो ज़्यादा दुखी नहीं है इस बात को लेकर के? सो योर आंसर विल बी, विनिया मेड श्योर दैट राम भरोसा डिड नॉट फील टू बैड बाई क्लोजिंग हर अम्ब्रेला वेन एवर शी पास्ड हिज शॉप एंड इवेंचुअली लीविंग इट बिहाइंड एज अ गेस्चर ऑफ गुडविल। तो विनिया को ऐसा क्यों लगता है कि वो राम भरोसा को बुरा नहीं लगता है? क्योंकि विनिया जब भी राम भरोसा के दुकान के पास से गुजरती है तो अपने छाता को बंद कर लेती है। ठीक है, अपने छाता को वो बंद कर लेती है ताकि ये जो गुडविल है ये एक तरह का गेस्चर करे, संकेत दे, इशारा देता है कि भाई राम भरोसे को बुरा लग रहा है तो वो बेचारी अपना छाता बंद कर लेती है। ठीक है, इससे उसको लगता है कि राम भरोसा को अब भी, उसकी जो नज़र है अब भी मेरे छाते पर है, इसलिए उसे लगता है कि वो ज़्यादा बुरा फील नहीं कर रहा है। नाउ रिफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारा कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस क्वेश्चन बचा हुआ है, अब हम इसको करेंगे। सो नाउ रीड द लाइंस फ्रॉम द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। सो यहाँ एक लाइन दिया गया है, यू हैव टू रीड एंड फाइंड आउट द आंसर। जो भी क्वेश्चन पुट अप हैं उनका आंसर आपको करना है। सो लाइन क्या है? राम भरोसा पिक डेट एंड
picked it up and beat it. ठीक है. He held it up to the light and he rang it on the ground. तो राम भरोसे ने पहले क्या किया, picked it, उठाया उसको, फिर beat it, फिर उसको क्या किया, beat किया, और फिर held it up to the light, उसको light में रखा, and now he rang it on the ground, और फिर से उसको ground में पटक दिया. ठीक है. तो अब आपको आंसर देना है कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज इट, इट यहाँ पर क्या है, मेंशनड इन द अबव सेंटेंस, जो आपके सेंटेंस में मेंशन किया गया है, इट यहाँ पर क्या है. सो इट यहाँ पर क्या है, एक कॉइन है, वो कॉइन जो विनिया ने इनको दिया था. ठीक है. इस कॉइन को वो देखता है, उठाता है, लाइट में रखता है, और फिर उसको गुस्सा से ज़मीन पर पटक देता है. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर बी, हु गेव इट टू राम भरोसा, हु गेव इट टू राम भरोसा, ये जो कॉइन है ये राम भरोसा को किसने दिया था. हु गेव इट टू राम भरोसा, राम भरोसा को ये कॉइन किसने दिया था, बिनिया, विनिया गेव इट टू राम भरोसा. ठीक है. विनिया ने वो कॉइन राम भरोसा को दिया था. नाउ क्वेश्चन नंबर सी, व्हाई वाज ही सस्पिशियस अबाउट द कस्टमर हु गेव इट टू हिम. तो यहाँ पर है कि उसे उस कस्टमर पर शक क्यों था जिसने उसे वो दिया था. ठीक है. सस्पिशियस मीन्स डाउट करना, संदेह करना. सो योर आंसर इज ही वॉज सस्पिशियस बिकॉज ही हैडंट हैड अ कस्टमर इन ऑलमोस्ट 2 weeks एंड थॉट विनिया माइट बी देयर टू टॉन्ट हिम और फ्लॉन्ट हर अम्ब्रेला. तो राम भरोसे को क्या लगता है, उसे क्यों यह संदेह हुआ. ही वॉज सस्पिशियस बिकॉज ही हैडंट हैड अ कस्टमर इन ऑलमोस्ट 2 weeks. उसको लगा कि 2 हफ्ते से मेरे दुकान पर कोई नहीं आया है और आज अचानक कैसे आ गया. एंड थॉट विनिया माइट बी देयर टू बी टॉन्ट हिम और फ्लंट हर अम्ब्रेला. उसको क्या लगा कि विनिया आई होगी, विनिया इसको भेजी होगी टॉन्ट मारने के लिए, ताना मारने के लिए, या फिर अपना छाता का दिखावा करने के लिए. नाउ क्वेश्चन नंबर डी, Why did Ram Bharosa hold it up and ring it on the ground? Ram Bharosa ने उसे उठाकर ग्राउंड में क्यों पटक दिया, क्यों फेंक दिया. बिकॉज राम भरोसा हेल्ड इट अप एंड रेंग इट ऑन द ग्राउंड टू चेक इट इफ द क्वाइन इज क्वाइन वॉज जेन्युइन. तो राम भरोसा उस क्वाइन को चेक कर रहा था कि रियल है कि नहीं, इसलिए वो उसको बजा रहा था, इट मीन पटक रहा था. नाउ क्वेश्चन नंबर टू, नाउ अगेन वी हैव अ लाइन एंड फाइंड आउट द आंसर. सो योर लाइन इज But I am never in the sun or in the rain, he said aloud. Of what use is an umbrella to me? क्या कहता है वो कि but I am never in the sun, कि ना मैं सन में जा रहा हूँ मतलब धूप में जा रहा हूँ, ना मैं बारिश में जा रहा हूँ. जोर से कहा उन्होंने, तो मेरे लिए छाते का यूज क्या है. ठीक है. इसी लाइन से आपको आंसर करना है. हु इज़ द स्पीकर, किसने कहा था ये, कौन है यहाँ पर स्पीकर. सो द स्पीकर इज राम भरोसा, राम भरोसा ने ही ऐसा कहा है. नाउ क्वेश्चन नंबर बी इज, हु इज़ द पर्सन बींग स्पोकन टू. तो किस व्यक्ति से यहाँ पर बात की जा रही है, वो पर्सन कौन है जिनसे ये बात कही जा रही है. सो द पर्सन बींग स्पोकन टू इज हिमसेल्फ, खुद से कह रहा है वो. ठीक है. एज ही रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज नीड फॉर दी अम्ब्रेला.
और उन्हें छाते की नीड हो रही है तो वो खुद से ही अपने बात करके मुझे कहाँ जाना है जो मुझे चाहिए, इट मीन्स कि अपने आप को कंट्रोल कर रहा है, संतावना दे रहा है अपने दिल को कि बस मुझे छाता नहीं चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर सी इज व्हाई डिड द अदर पर्सन लीव द अम्ब्रेला विद द स्पीकर। ये जो अदर पर्सन है लीव द अम्ब्रेला विद द स्पीकर, स्पीकर के लिए अम्ब्रेला क्यों छोड़ दे रहा है। सो योर आंसर इज बिनिया लेफ्ट द अम्ब्रेला विद राम भरोसा। ठीक है, तो राम भरोसा के लिए वो छोड़ रही है बिकॉज सी फेल्ट इट वॉजेंट एज इम्पॉर्टेंट एज सी वंस थॉट एंड सी वॉन्टेड टू मेक अमेंड्स। अब फाइनली बिनिया को रियलाइज़ हो रहा है कि ये छाता इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि राम भरोसे या पड़ोसी इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब बिनिया अपने छाता को राम भरोसे के पास छोड़ कर जा रही है और वो क्या कहना चाहती है, क्योंकि उसे ये फील हो रहा है कि जितना वो इसको इम्पोर्टेंट सोच रही थी चाहे दे रही थी इतना ये नहीं है, और ना अब वो अपनी गलती को सुधारना चाहती है, उसमें अमेंडमेंट करना चाहती है। नाउ क्वेश्चन नंबर डी इज व्हाई इज़ द स्पीकर नेवर इन द सन और रेन। जो स्पीकर है वो ना तो सन में है ना रेन में है, क्यों। सो योर आंसर इज द स्पीकर इज नेवर इन द सन और रेन बिकॉज ही हैज स्पेंड हिज टाइम इन साइड द शॉप। अब वो 24 घंटा अपनी दुकान पे ही बैठा है, उसको कहीं जाना नहीं है तो कहाँ जाएगा वो। ठीक है, नाउ आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन एंड वी हैव डन ऑल क्वेश्चन आंसर। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट वेरी सून विथ अनदर वीडियो चैप्टर फाइव के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा, यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं द ब्लू अम्ब्रेला का, और ये आपका चैप्टर फोर। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।